हाय हेलो नमस्कार वेलकम टू वन मोर सेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर किया हो तो धन्यवाद। ठीक है, तो आज का जो सेशन है इसके अंदर हम इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स विच आर रेड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऐसे टाइप के सम क्या एक और टाइप देखने वाले हैं। ठीक है, जिसके अंदर अब ये सम हमने देखे नहीं थे, हमने सिर्फ बेसिक टाइप देखा था एकदम, लेकिन इस तरह के सम्स भी आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं ये वाले भी सम्स ले रहा हूँ आज के सेशन में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखो, फर्स्ट सम हमें दिया हुआ है 5 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 और 15 अपॉन x प्लस वाई प्लस 7 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, पर इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो देखो क्या करो, जैसे हम वहां पे लेट कर रहे थे 1 अपॉन x इज इक्वल टू m, 1 अपॉन y इज इक्वल टू n, वैसे अब यहाँ पे सपोज करो लेट 1 अपॉन x प्लस y बी m एंड 1 अपॉन x माइनस y इक्वल टू n। ठीक है, ये आपको सपोज कर लेना है। तो जब आप सपोज करोगे तब क्या मिलेगा, देखो 5 अपॉन x प्लस y को हम 5 इंटू 1 अपॉन x प्लस y भी लिख सकते हैं और माइनस 2 अपॉन x प्लस y सॉरी x माइनस y को हम माइनस 2 इंटू 1 अपॉन x माइनस y भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो ये 5 अपॉन x प्लस y था उसका हम 5m लिख सकते हैं और जो माइनस 2 अपॉन x माइनस y था उसको हम माइनस 2n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये फर्स्ट सम में। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, तो ऐसे हम कर सकते हैं 5m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 3 लेना क्योंकि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। आपको डायरेक्टली सॉल्विंग शुरू नहीं करनी है, आपको पहले ये दोनों इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी और उसके बाद लेट करना है और लेट के बाद थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस आपकी आ जाएंगी। तो आप देखो पहली इक्वेशन तो मिल गई 5m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 1, सॉरी थर्ड तीसरी इक्वेशन, और चौथी इक्वेशन हो जाएगी 15m प्लस 7n इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी 4 हो जाती है। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम कोई भी एक पेयर उठा लेते हैं। तो देखो 5 और 15 का पेयर ले सकते हैं ना, 5 3 जा 15 होता है। तो एक काम करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो फोर्थ इक्वेशन है वो उसके बाद थर्ड इक्वेशन से माइनस करेंगे। तो पहले देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 3 जा 15m माइनस 2 3 जा 6n इज इक्वल टू माइनस 1 3 जा माइनस 3। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट 15m प्लस 7n इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन थी। सब्ट्रैक्ट करते समय साइन चेंज हो जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस। अब देखो 15m माइनस 15m कट जाएगा, माइनस 6n माइनस 7n इज माइनस 13n, माइनस 3 माइनस 10 इज माइनस 13, तो माइनस 13m इज इक्वल टू माइनस 13 मिल गया। तो n हो गया माइनस 13 अपॉन माइनस 13, माइनस माइनस कट जाएगा, 13 13 कट जाएगा और 1 रह जाएगा, तो n इज इक्वल टू 1। अब पुट कर देते हैं n इज इक्वल टू 1। देखो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ले लो, थर्ड वाली ज्यादा आसान दिख रही है तो थर्ड वाली ले लेते हैं। तो 5m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब उसके आगे सॉल्व करते हैं फटाफट, तो हमें मिलेगा 5m माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1, तो 5m माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1, तो 5m हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2, माइनस 2 उस साइड जाके प्लस 2 हो जाएगा और उसके आगे आप लिखो माइनस 1 प्लस 2 कितना होता है भाई, 1 होता है, तो 5m इज इक्वल टू 1, सो m इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ठीक है, ये आपका दूसरा चीज आ गया। अब देखो इसके आगे और झंझट होती है, इसलिए ये सम थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, देखो नेक्स्ट लेवल रहते हैं। देखो हमें क्या दिया है, 1 अपॉन x प्लस y m है,
तो आप डायरेक्टली x प्लस वाई की वैल्यू तो आंसर में लिख नहीं सकते ना, तो आपको और भी सॉल्व करना है. अभी तक देखो कैसा है, 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू n. देयरफॉर 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1. और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये आपकी इक्वेशन 5 मिल जाएगी, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपकी इक्वेशन 6 मिल जाएगी. ठीक है, समझ में आ गया? तो देखो हमने दो इक्वेशंस और निकाली, ये करना पड़ता है, और इसके बाद आपको फिर लास्ट फाइनल सॉल्व करने का है. अब देखो फाइनली कैसे सॉल्व करेंगे हम, फाइनल हम सॉल्व करेंगे x प्लस वाई is equal to 5, x minus y is equal to 1, इनको subtract कर दो. ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देना ना बीच में, subtracting equation 6 from 5, ऐसे subtract करो, और adding है, क्योंकि plus और minus y है, तो इनकी sign अलग अलग है, तो अपन add कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम add कर रहे हैं, और add करते समय x plus x हो जाएगा 2x, plus y minus y कट जाएगा, 2x is equal to 6, तो x आ जाएगा 6 upon 2, तो x आ जाएगा 3. ठीक है, 6 डिवाइडेड बाय 2 3 होता है ना, और उसके आगे वापस पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन. अब यहाँ पे आप 5 ले लो, ठीक है, तो 5 में क्या आ जाएगा, आप 4 भी 6 भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब मैं 5 ले रहा हूँ, कोई बात नहीं. तो x प्लस y इज इक्वल टू 5 होता है, तो आ जाएगा 3 प्लस y इज इक्वल टू 5, और 3 प्लस y इज इक्वल टू 5 हो गया, मतलब y इज इक्वल टू 5 माइनस 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो द सॉल्यूशन टू द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस इज 3, 2, ये आपका आंसर आ जाएगा. और 3, 2 कैसे लिखता है देखो, अभी 10th स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में x, y इन वन ब्रैकेट इज इक्वल टू 3, 2 इन अनदर ब्रैकेट इज द सॉल्यूशन, इतना ही लिखना है. ठीक है, ये फाइनल आंसर आपका होगा. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दो. हम एक और सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अब इतना मैं डिटेल में नहीं करूंगा, जरा फास्ट करूंगा. ठीक है, तो अब एक और सम लेते हैं, जो कि है अभी एक मुश्किल वाला लेते हैं. ठीक है, क्योंकि ये सम में बहुत लोगों को डिफिकल्टीज आती है. 1 अपॉन 3x प्लस y प्लस 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. अब देखो 3x देखकर घबराना मत, क्योंकि इसके आगे तो और भी डेंजर आ रहा है. 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस y माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3x माइनस y इज इक्वल टू 1 अपॉन 8. तो अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, देखो वही सेम चीज है, बस उन्होंने क्या किया है, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई किया है. ठीक है, देखो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं. तो सॉल्व करते समय इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो. लेट 1 अपॉन 3x प्लस y, 1 अपॉन 3x प्लस y डायरेक्टली लिया तो चलता है, इज इक्वल टू m, एंड 1 अपॉन 3x माइनस y इज इक्वल टू n. ठीक है, आप m n ले लो, a b ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे अब आदत हो गई इसलिए मैं ले रहा हूं. तो अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन 3x प्लस y इज इक्वल टू m है, तो इक्वेशन 1 का हो जाएगा हमारा m प्लस n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके ये इक्वेशन तैयार होगी, लेकिन अभी इसको और भी सिंप्लीफाई करना है. ठीक है, इसको हम थोड़ी ना ऐड सबट्रैक्ट कर सकते हैं ना, 3 अपॉन 4 को बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उससे अच्छा क्या करो, 4 को इस साइड ला दो, तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट m प्लस n इज इक्वल टू 3, 4m प्लस 4n. ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई कर देना इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा इक्वेशन 3. ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा देखो, 1 अपॉन 2m माइनस 1 अपॉन 2n इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, ऐसा सोल्यूशन बनेगा, ऐसा इक्वेशन बनेगा. समझ गए, तो ये हो गया 1 अपॉन 2m. कैसा है देखो, 1 अपॉन 2 यहाँ पे रख लिया, मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 3x प्लस y ले लिया. ठीक है, तो 1 अपॉन 3x प्लस y की जगह m पुट कर दिया, तो 1 अपॉन 2m आ गया. इन द सेम वे यहाँ पे भी 1 अपॉन 2n आ गया, और अभी इसके आगे आप कैसे सॉल्व करोगे देखो, एक बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं भी एक बार चेक करके बता देता हूँ. तो देखो क्या करो, m और n को सॉरी 1 अपॉन 2 को कॉमन निकालो, और 1 अपॉन 2 को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन 2 ब्रैकेट m माइनस n इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, ऐसा आपका आ जाएगा. तो अब देखो इस 2 को 8 से काट दो, 2 वन जा 2, 2 फोर जा 8, तो अब लिख लेते हैं एक मिनट,
तो हम लिख सकते हैं कि देखो अब वन अपॉन वन तो वन ही होता है तो उसको छोड़ दो, मल्टीप्लीकेशन में है वो तो उसका कुछ फायदा नहीं तो उसे छोड़ दो, तो आ जाएगा m माइनस एन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर, तो बस वही चीज करनी है ना, फोर ब्रैकेट m माइनस एन इज इक्वल टू वन, फोर को उस साइड शिफ्ट किया, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा इक्वेशन 4। देखो अब हमें इक्वेशन 3 इक्वेशन 4 एक जैसी मिल गई, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है, मतलब हम ऐड कर सकते हैं, तो चलो फटाफट ऐड करते हैं, ठीक है, तो हम ऐड करेंगे 4m, तो पहले लिख देना सेंटेंस एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, और ये हटा दो, और 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 1, इन्हें ऐड कर दो तो 4m प्लस 4m हो जाएगा 8n, प्लस 4n माइनस 4n कट जाएगा और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू सॉरी 8n इज इक्वल टू 4, तो n हो जाएगा 4 अपॉन 8, तो n हो जाएगा 1 अपॉन 2, ठीक है, n की वैल्यू मिल गई 1 अपॉन 2, अब इसे पुट कर दो कोई तो एक इक्वेशन में, इसे कोई तो एक इक्वेशन में पुट कर दो, मेरे ख्याल से फर्स्ट सॉरी थर्ड इक्वेशन अच्छी है उसमें पुट कर दो, 4m plus 4n is equal to 3, सेंटेंस लिख लो है ना, पुट n is equal to 1 upon 2 in equation dot dot dot, ठीक है, तो 4m plus 4n is equal to 3 है, तो 4m plus 4 into 1 upon 2 is equal to 3 हो जाएगा, तो उसके आगे देखो क्या आ जाएगा, एक मिनट यहाँ पे मैंने बराबर नहीं किया क्या शायद, नहीं सही तो है, ठीक है, और उसके आगे क्या आ जाएगा, उसके आगे आ जाएगा देखो 2 1 सा 2 2 2 सा 4 ऐसे काट दो, ठीक है नीचे है ना इसलिए ऊपर से काट दो, तो 4m plus 2 2 1 सा 2 ही होता है तो इसलिए डायरेक्टली 2 लिख दो इज इक्वल टू 3, ठीक है, और उसके आगे आप लिख सकते हो 4m plus 2 इज इक्वल टू 3, सो 4m इज इक्वल टू 3 minus 2, सो 4m इज इक्वल टू 1, और जब 4m इज इक्वल टू 1 आ गया तो 4 को उस साइड शिफ्ट कर दो और मल्टीप्लाई का डिवाइड कर दो, m इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, ठीक है, तो n आ गया 1 अपॉन 2, m आ गया 1 अपॉन 4, तो उसके आगे हम क्या करेंगे, अरे कुछ गलत हो रहा है ना यार, कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, अरे हमने जब ऐड किया ना तब हमने 4n 4n काटा लेकिन 8n इज इक्वल टू 4 लिख दिया था गलती से, इसको m कर लो, इसको m कर लो, और जब सॉल्व करोगे ना तो वही सेम चीज होने वाली है, देखो यहाँ पे नहीं होगा ये, थोड़ा सा चेंज कर लो भाई, थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ी सी गलती हो गई, तभी मैं सोचू क्या गलत जा रहा है, ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 4n इज इक्वल टू 3, और इसे आप काटो, इसे 2 करो, इसको 2m plus 4n is equal to 3 करो, ठीक है, नहीं 2m नहीं 2 plus 4n is equal to 3 करो, और ये हो जाएगा 4n is equal to 3 minus 2, और हो जाएगा 4n is equal to 1, n is equal to 1 upon 4, ऐसा आएगा, सॉरी यार, सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है, अब देखो अब इसके आगे हम क्या करेंगे, अब इसको वैल्यूज पुट कर दो, देखो 1 upon 3x plus y is equal to 1 upon 2, क्योंकि m की वैल्यू 1 upon 2 है तो मैंने लिख दिया ऐसे, और दूसरी चीज है 1 upon 3x minus y is equal to 1 upon 4, ठीक है, क्योंकि m की वैल्यू 1 upon 4 है, तो देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 3x plus y is equal to 2 and 3x minus y is equal to 4, इन्हें ले लो बस, अभी तो फटाफट होंगे तो हो जाएगा, देखो सम ये हो जाएगा इक्वेशन 5, ये हो जाएगा इक्वेशन 6, चलो भाई अब फटाफट सॉल्व करते हैं, फटाफट इसे सॉल्व करते हैं, तो जब सॉल्व करोगे ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, देखो प्लस है ना, तो 3x plus 3x 6x हो जाएगा, plus y minus y कट जाएगा, 2 plus 4 6 हो जाएगा, तो x हो जाएगा 6 upon 6, x is equal to 1, x is equal to 1 मिल गया, तो पुट कर दो x की वैल्यू एक कोई भी इक्वेशन में, ठीक है, तो 3x plus y is equal to 2, 3 into 1 plus y is equal to 2, 3 plus y is equal to 2, y is equal to 2 minus 3, y is equal to minus 1, हो गया सॉल्व, समझ में आ गया, तो ये हमारे दोनों सॉल्यूशंस आ जाएंगे, x is equal to 1, y is equal to minus 1, फाइनल स्टेटमेंट लिख लेना, x comma y is equal to 1 comma minus 1 is the solution, I hope it is clear to all of you.
अब यार देखो टाइम हमारे पास बचा है तो इसलिए हम एक और सम कर लेते हैं। वैसे ये सब मैं होमवर्क में देने वाला था लेकिन इसको भी सॉल्व कर डालते हैं क्योंकि हमारे पास अभी काफी टाइम बचा हुआ है, तो इसलिए मैं इसका भी सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दे दिए कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जो कि है संकेत मनियार एकेडमी, ठीक है। और वो चैनल क्यों किया, क्योंकि इस चैनल पे कुछ तो भी कारण की वजह से मुझे लाइव क्लास लेते नहीं आ रही है और उस चैनल पे मैं ले सकता हूँ, तो इसलिए उस चैनल पे मैं साइंस के स्पेशली और मोटिवेशनल सेशन और जीके सेशन जो हमारे होते हैं ये तीनों चीजें मैं लाइव लेने की कोशिश करूंगा। मैथ्स की क्लासेस हमारी लाइव नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए प्लीज जो मेरा जो दूसरा वाला चैनल है संकेत मनियार एकेडमी उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसको अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वाला सम। और ये वाला सम में क्या दिया, देखो 5 upon x plus 1 minus 2 upon y minus 1 is equal to 1 upon 2 and 10 upon x plus 1 plus 2 upon y minus 1 is equal to 5 upon 2। तो अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, let 1 upon x plus 1 is equal to m and 1 upon y minus 1 is equal to n, ठीक है। बस वही चीज करनी है। अब देखो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5m minus 2n is equal to 1 upon 2, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो अब ये वाली थर्ड इक्वेशन नहीं लिखेंगे हम डायरेक्ट, हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और इसको जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट 5m माइनस 2n इज इक्वल टू 1, ठीक है। और देखो 2 5 10 हो जाएगा, माइनस 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 10m माइनस 4n इज इक्वल टू 1, ये आप इक्वेशन 3 लेना, ठीक है। और इक्वेशन 4 लिखते समय हम कैसे लिखेंगे, देखो 10 अपॉन x प्लस 1, तो इसको लिख दो 10m प्लस 2 अपॉन y माइनस 1, इसको 2n लिख दो, 5 अपॉन 2 लिख दो, ठीक है। तो अब देखो अब इसके आगे आपको वापस वही चीज करनी है, जो 2 है वो इस साइड ला दो, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं हम फटाफट, तो देखो क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 5। तो अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, 2 10s are 20m प्लस 2 2s are 4n इज इक्वल टू 5। लेकिन इसको डायरेक्टली लेने से अच्छा है कि आप ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करके देखो, 10m 20m 4n, अच्छा ठीक है, 4n और 4n एक साथ आ गए तो इसलिए आपको जरूरत ही नहीं कुछ करने की, इसको इक्वेशन 4 ले लो और क्या करो इन दोनों को ऐड कर डालो। तो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 हमें मिलेगा 10m माइनस 4n इज इक्वल टू 1, 20m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। और इसको जब आप ऐड करोगे तब क्या होगा, तब होगा ये ना कि 10 प्लस 20 हो जाएगा 30m प्लस और माइनस 4n कट जाएंगे और 5 प्लस 1 6 मिल जाएगा, तो m हो जाएगा 6 अपॉन 30, 30 उस साइड गया नीचे गया, तो m हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 3 15 30, ठीक है। तो m हो जाएगा 2 अपॉन 15, ठीक है। या फिर मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, या फिर रुको ना 2 upon 15 की जगह एक काम करते हैं, इसको 6 से ही कर लेते ना, तो 6 1 6 and 6 5 30 कर लो, तो m is equal to 1 upon 5, सबसे सिंपल मिल गया। मेरे ख्याल से 3 10s are 30 था इसलिए मेरा थोड़ा सा गलत हो गया है कि नहीं। और इसके बाद देखो, इसके बाद देखो आप इसको पुट कर दो ना, पुट इन इक्वेशन ले लो आप सेकेंड ले लो, तो 20m plus 4n is equal to 5, तो हो जाएगा 20 into 1 upon 5 plus 4n is equal to 5। तो देखो 5 1s are 5 5 4s are 20 कट जाएगा, तो आ जाएगा 4 plus 4n is equal to 5, तो 4n आ जाएगा 5 minus 4, तो 4n आ जाएगा 1, तो n आ जाएगा 1 upon 4, ठीक है भाई, ये आ गया। अब इसके आगे कर लो, इसे क्या करेंगे हम, इसे हम इसे करेंगे कंपेयर। देखो 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू m था और 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू n लिया था, तो एक काम करो इसको पुट कर दो, 1 अपॉन x प्लस 1 आ जाएगा 1 अपॉन 5 और 1 अपॉन y माइनस 1 आ जाएगा 1 अपॉन 4। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको इक्वेशन 5 ले लो, इसको इक्वेशन 6 ले लो। चलो अब सॉल्व करते हैं, देखो अब बड़ा आसान है, बहुत ही आसान हो गया है सम, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो, देखो x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4 दिया है, इन दोनों को ऐड कर लो। तो देखो जब हम ऐड करेंगे तब क्या आ जाएगा, अरे 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 अरे
अरे अरे अरे, इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, हमारे पास थोड़ी ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, इसकी जरूरत ही क्या है, इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लो। x प्लस वन इज इक्वल टू फाइव दिया है, x इज इक्वल टू फाइव माइनस वन ले लो, वन को उस साइड भेज के सब्ट्रैक्ट कर दो, और y इज इक्वल टू फोर प्लस वन ले लो, ठीक है, माइनस वन को उस साइड भेज दो, प्लस वन हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू फोर, y इज इक्वल टू फाइव, ये आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है, ठीक है, आपको उसके आगे कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो दिखने में तो ये उल्टा अजीबो गरीब दिखता है, लेकिन सॉल्व करने में उससे भी आसान है जो हमने पहले सीखा था, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अब मैं आपको तीन सम होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यार दो चीजें कर दो, ठीक है। एक तो पहली बात, तो अगर मजा आ रहा हो तो सेशन को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दो, प्लीज प्लीज, बहुत जरूरत है अभी इसकी, ये तो इस चैनल नहीं चल पाएगा और, ठीक है, तो इसलिए प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और लाइक कर दो अगर मजा आ रहा हो। और दूसरी बात, इस वीडियो को वापस एक बार रिवाइंड करके देख ले, जो दूसरा वाला हमने सम लिया था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसलिए वापस एक बार देख लेना, जिससे कि आपको ये जो सम का जो ये था मेथड था वो पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलो, आपको होमवर्क के लिए तीन सम दे रहा हूं, आप प्लीज इसे जरूर सॉल्व करके देखना, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपको भी ये सब करना बहुत ही आसानी से जमता है, ठीक है। तो 44 अपॉन x प्लस y प्लस 30 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 10 दिया है, ये एक है, और दूसरा है 55 अपॉन x प्लस y प्लस 40 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू दिया है 13, और इसका आंसर आने वाला है एक्स की वैल्यू आएगी 8 और वाई की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। दूसरा सब ले लो होमवर्क के लिए, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और 15 अपॉन, यार दिख नहीं रहा होगा, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है, और इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 21 अपॉन 8, वाई इज इक्वल टू 9 अपॉन 8। और एक लास्ट सम ले लो होमवर्क के लिए, थर्ड होगा आपका 5 अपॉन एक्स प्लस, ये क्या है, अच्छा x प्लस वन है ये, 5 अपॉन x प्लस वन माइनस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, एंड 10 अपॉन x प्लस वन प्लस 2 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2, और इसका आंसर आने वाला है x की वैल्यू हो जाएगी 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो सॉल्व करके जरूर देखना, ये जो तीसरा सम है इसके अंदर आपको क्या करना है, देखो ये जो तीसरा सम है ना, इसमें आपको सेम वैसे के वैसे ही आपको सारी चीजें करनी है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेट 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू n, ठीक है, और ऐसे करोगे तो आपको सॉल्व करते करते आ जाएगा आंसर। तो भी अगर नहीं आए तो मैं होमवर्क के सोल्यूशन आपको देने ही वाला हूँ, इसके बाद एक और वीडियो हमारा आने वाला है और उसके बाद मैं होमवर्क का सोल्यूशन दूंगा, ठीक है, तो इसलिए टेंशन मत लो, अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, होमवर्क सोल्यूशन जो मैं करने वाला हूँ वो देख लेना अच्छे से।